कानपुर नगर से है। संघ ने शाखा छावनी परिषद के भ्रष्ट अध्यक्ष व महासचिव को संगठन से निकाला। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ शाखा छावनी परिषद के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों की आवश्यक बैठक प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन रोड पानी की टंकी मीरपुर कानपुर में संघ के शाखा उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शाखा अध्यक्ष धर्मेंद्र सेठ व महासचिव मनोज पहलवान के विरुद्ध धोखाधड़ी बेईमानी व संगठन के धन में गबन एवं दुरुपयोग और दोनों पदाधिकारियों द्वारा सफाई मजदूरों के शोषण व उत्पीड़न तथा अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाए। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त दोनों पदाधिकारियों को पदमुक्त करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष को अनुमोदन हेतु कार्रवाई भेजने का निर्णय लिया। बैठक में प्रमोद कुमार दुली चंद राजकमल मुकेश आदि लोग उपस्थित रहे। पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। बिल्कुल सही बात है। और ये शाखा छावनी परिषद में हमने जो है धर्मेंद्र सेठ को और मनोज को बना रखा था, ये कर्मचारियों के अनुरोध पर वो काम कर रहे थे। इधर कर्मचारियों से क्या किया कि लोगों ने चंदा उगाही किया और चंदा उगाही करने के बाद क्या किया कि कर्मचारियों को हिसाब नहीं दिया, हिसाब नहीं देते हैं। और ये ठेकेदारों से अधिकारियों से मिले हुए हैं कि इस तरीके से ये कर्मचारियों की ये शिकायत है। इसके बिहेव पे आज ये बैठक वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये बैठक बुलाई गई है और बैठक बुलाने के बाद और इनको बाकायदे इनको जो है निष्कासित करेंगे। ये शाखा छावनी परिषद के लोग जो है सब इकट्ठे होकर के उनका कर्मचारी इस तरीके से बहस कर रहा है बैठक करके बुला करके, फिर अब इसको उनको हम नोटिस दे करके ये हमें लिखा पढ़ी करके संवैधानिक व्यवस्था के तहत देंगे, फिर हम नोटिस दे करके इनको जो है बाहर करेंगे संगठन। महामंत्री से उनके साथ अधिकारियों के साथ मिल के जो हमारे साथ गलत शोषण हुआ है उसके तहत हम जो है सारे कर्मचारी सहित सारे कर्मचारी की मांग है कि अध्यक्ष व महामंत्री को हटाया जाए। ये मीटिंग कहाँ पर कर रहे हैं? एक नंबर स्टेशन पानी टंकी के पास। मूल कारण ये है कि जो हमारे शाखा के अध्यक्ष व महामंत्री थे आज हम उनको अपने संगठन से निकाल रहे हैं। उसका कारण निकालने का कारण है कि अध्यक्ष और महामंत्री और हमारे ये अधिकारियों के साथ मिल के जो हमारे और ठेकेदारों के साथ मिल के जो हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहे हैं उसके विरुद्ध जो है हमारी सारे कर्मचारियों की मांग है कि इनको संगठन से निकाला जाए। शोषण अधिकारियों के साथ मिल के हमारे 30 आदमी को निकाल दिया, कोरोना काल में काम भी कराया, उसका 5 महीने का वेतन भी नहीं दिया। और जब हम लोगों ने इसकी मांग करी तो और भी कर्मचारी हटाने की धमकी देने लगे। यदि आप लोग आज हम इस बैठक के माध्यम से कैंट बोर्ड सीईओ साहब को 1 महीने का नोटिस भी देने का काम करेंगे। उस 1 महीने में अगर हमारी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो हम पूर्ण रूप से काम बंद करके हड़ताल पे भी चले जाने के वो होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी और ठेकेदार की होगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।